सिंह में आपका स्वागत है। सबसे पहले विधि व्यवस्था पर त्योहारों के शांतिपूर्ण मनाए जाने के संबंध में आपसे वार्ता करनी है और सूचना देनी है। इस वर्ष दुर्गा पूजा और विजयदशमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य की विधि व्यवस्था प्रबंधन तथा पूजा कार्यक्रमों का निरंतर अनुसरण किया गया, समय समय पर यथोचित निर्देश जारी किए गए। वरीय प्राधिकारों के द्वारा जिलों में देर रात तक गश्त कर सभी प्रकार के प्रबंध को नियमित रखने और व्यवस्थित करने का जो निर्देश दिया गया, उसके फलस्वरूप कहीं से भी कोई गंभीर घटना, सांप्रदायिक तनाव की कोई घटना प्रतिपादित होने की सूचना नहीं है। पूरी तरह सामाजिक सौहार्द के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में त्यौहार मनाया गया, जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है। कुल 14,726 प्रतिमाएं स्थापित की गई, पूजा पंडाल स्थापित किए गए, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से पूरे दुर्गा पूजा का अनुष्ठान हुआ और अब वहां पर विसर्जन का कार्यक्रम भी हुआ। अभी तक की सूचना जो मेरे पास उपलब्ध है, एक घंटे पहले तक की, 11,352 प्रतिमाओं का शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन संपन्न हो गया, जो कि लगभग 70% है। 30% अर्थात 3,374 प्रतिमाएं विसर्जन हेतु शेष हैं, जिसमें से अधिकतर का विसर्जन आज और कुछ का परंपरा के अनुसार पूर्णिमा या अन्य तिथियों को होगा। विसर्जन हेतु मार्ग निर्धारण, बल प्रबंधन, लाइसेंस, निगरानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई, जिसके कारण सभी विसर्जन अभी तक शांतिपूर्ण। इसके अलावा राज्यों में आयोजित किया गया 284 जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। आवश्यक मेला और भीड़ प्रबंधन के जो उपाय किए गए, उसके कारण ये कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। विसर्जन के क्रम में कुछ अति उत्साह और कुछ असावधानी पूर्वक विसर्जन के क्रम में कुछ लोगों की डूबने से मृत्यु होने की सूचनाएं हैं, जिसमें पटना से 3, मुंगेर से 2, भोजपुर से 2, गोपालगंज से 1 और एक व्यक्ति की पटना में करंट लगने से मृत्यु होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इस पर भी तत्काल कार्रवाई की जा रही है। स्टेट रैफ पुलिस के द्वारा कई जगहों पर तीव्र कार्रवाई करके डूबते हुए लोगों को बचाया भी गया। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, दुर्गा पूजा के अवसर और पर्व त्योहारों के मद्देनजर हम लोगों ने पूर्व से ही तैयारी की गई थी और इस वर्ष, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, कुल 5 कंपनी अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति की गई, 20 कंपनी BMP और 12 कंपनी दंगा निरोधक बल के अलावा 4,000 होमगार्ड, 1,880 महिला सिपाही, 9 प्रशिक्षित सिपाही 8,896 के अलावा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दरोगा और DSP को भी हम लोगों ने प्रशिक्षण के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की ट्रेनिंग के लिए फील्ड में लगाया गया। उनकी प्रतिनियुक्ति 5 तारीख तक थी, लेकिन उसको 2 दिन और अवधि विस्तार करके आज 7 तारीख तक उनकी प्रतिनियुक्ति को रखा गया है, जिससे उनको भी विधि व्यवस्था की ट्रेनिंग हो सके। इस पूरे सितंबर महीने में हम लोगों ने विशेष रूप से शराब के विरुद्ध अभियान चलाया और उसका मुख्य लक्ष्य यह था कि आगामी पर्व त्योहारों पर इस तरह की रोकथाम हो सके। कुल गिरफ्तारी की संख्या सितंबर महीने में शराब के जो ALTF है उसके द्वारा जो गिरफ्तारी है, इसमें राज्य पुलिस बलों की द्वारा गिरफ्तारी शामिल नहीं है, महज ALTF की जो गिरफ्तारी है वह जनवरी फरवरी से लेकर प्रत्येक महीने की जो गिरफ्तारी है उससे काफ़ी अधिक, औसतन करीब 6,000 से 7,000 गिरफ्तारी होती थी हर महीने ALTF के द्वारा। इस सितंबर महीने में 9,010 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, लगभग 94,609 लीटर विदेशी शराब और 60,760 देशी लीटर देशी शराब बरामद की गई, 1189 शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। ये हमारी
जो विशिष्ट कार्रवाई थी शराब को लेकर के वो हमने की और इसका भी सकारात्मक प्रभाव पूरे पर्व त्योहारों के अवसर पर पड़ा। आपको पता है ऑपरेशन प्रहार के दो कंपोनेंट हैं, उसमें एक ALTF की कार्रवाई है, दूसरा वज्र जो गठित की गई है कंपनी और प्लाटून मुख्य रूप से गंभीर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए, और ये टीम पूरे जिला और अनुमंडल में गठित है और ये थाना से अलग होकर कार्रवाई करती है। इनको अपराध कर्मियों की सूची दे दी जाती है और इनका मुख्य काम रहता है कि अपराध कर्मियों को जाके सीधे गिरफ्तार करें। तो ये थाना के प्रयास के और जिला लेवल पर कंपनी गठित है जो कार्रवाई करती है। बिहार पुलिस के जो वज्र टीम गठित है पिछले दिसंबर 2021 से, उसकी हर महीने लगातार अनुश्रवण हम लोग करते हैं और वीकली जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है जिलों के साथ में वो वीसी करते हैं। मैं आपको बता दूं कुल गिरफ्तारी जो हमारी सितंबर महीने में हुई वज्र टीम के द्वारा, वह जनवरी फरवरी के प्रत्येक जो 8 महीने हैं अगस्त तक के, उनके औसत गिरफ्तारी से 65% ज़्यादा गिरफ्तारी हुई। जहाँ पिछले 8 महीनों में औसत गिरफ्तारी 6,285 थी, वही बढ़ करके सितंबर महीने में वज्र टीम के द्वारा जो गिरफ्तारी है वह पहली बार 10,000 के ऊपर 10,407 हो गई। तो 10,407 सक्रिय अपराध कर्मी सितंबर महीने में वज्र टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए, और जो पिछले महीनों का जो औसत है 8 महीने का, उससे 65.6% अधिक गिरफ्तारी। इसमें हत्या में 521 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, पुलिस पर हमला जो पिछले बार आप लोगों ने एक बिंदु उठाया था, पुलिस पर कुछ व्यक्ति विरोध कर देते हैं या हमला कर देते हैं, तो ऐसे 386 व्यक्तियों को हमने सितंबर महीने में गिरफ्तार किया गया, जो पिछले 8 महीनों के औसत से 13% अधिक। हत्या का प्रयास के जो मामले हैं उसमें हम लोगों ने 1870 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की, जो पिछले 8 महीनों के औसत से 32.7% 32.7% ज़्यादा है। कुल मिला के सितंबर महीने में हम लोगों ने जो वज्र का जो हमने परफॉर्मेंस देखा 65.6% अधिक गिरफ्तारी की। और ऑपरेशन प्रहार का जो दूसरा कंपोनेंट था ALTF, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी, अधिक संख्या में हम लोगों ने गिरफ्तारी की और अधिक संख्या में हम लोगों ने शराब बरामद की। इन दोनों कार्रवाइयों का जो प्रिपरेटरी कार्रवाई थी उनका असर अब ये हमारे जो पर्व त्यौहार का जो महीना चल रहा है उस पर दिखाई देगा, और आम जनता और पुलिस बल मिल करके सांप्रदायिक सौहार्द मेंटेन करने के साथ साथ विधि व्यवस्था संधारण की जो कार्रवाई वह की जा रही है रहता है कि आपको बताएं उसके बारे में, और आपकी चिंता भी रहती है कि महत्वपूर्ण घटनाओं पर क्या कार्रवाई हुई है। मैं आपको बता दूं सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर थाना में एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया, 30 तारीख की घटना थी, 30 सितंबर की। तत्काल एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ में 4 व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना आई। इस संबंध में तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। महिला थाना में गंभीर धाराओं में IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, अनुसंधान किया गया और 2 अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से सीतामढ़ी के बरगनिया थाना क्षेत्र में अर्धरात्रि में 8-10 की संख्या में अपराधी घर में घुस करके डकैती की और चोरी की नीयत से प्रवेश कर रहे थे। पुलिस की गश्ती वहां पर तुरंत पहुंच गई और जैसे ही उनको कुछ अंदाज लगा वो पहुंच गई और अपराध कर्मी वहां से तत्काल भाग गए। उनकी दिशा में रात में कोशिश की गई, वो गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन इस तरह की जो डकैती की घटना थी उसको विफल किया गया। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है जो हमारी टीम लगातार काम करती है, पटना में रोको टोको अभियान, जैसा आप लोगों को पता है हम लोगों ने चलाया था पर्व त्योहार के मद्देनजर, उसमें 30 सितंबर को पटना जिला के रूपसपुर थाना क्षेत्र में रोको टोको अभियान के अंतर्गत रात को करीब 10-11 बजे के आसपास एक व्यक्ति को एक व्यक्ति जो जा रहा था, उस संदेहास्पद व्यक्ति के क्रम में उसको जब रोका गया और उसकी मोटरसाइकिल का सत्यापन किया गया तो वो स्कूटी के साथ में जा रहा था, तो ये पता चला कि ये स्कूटी चोरी की और 2 दिन पहले ही चोरी हुई। तो रोको टोको अभियान की जो टीम थी उसने तत्काल
उसको गिरफ्तार किया, उससे गहन पूछताछ की गई और ये पता हुआ कि दो दिन पहले उसने महुआ बाग से चोरी की थी। जब और गहन पूछताछ की गई और पता चला तो ये पता चला कि उसकी निशानदेही पर उसके आसपास, उसके घर और आसपास के इलाकों में उसके गिरोह के लोगों ने चोरी के और 9 वाहन हमारे रिकवरी, तो चोरी के 9 वाहन एक रोको टोको अभियान में एक संदेहास्पद व्यक्ति को रात में रोक करके हम लोगों ने 9 और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें कुछ और व्यक्तियों की हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तीस नौ को। और आपको बता दें कि इसी तरह का एक हम लोगों ने कार्रवाई की थी 9 जून को दानापुर थाना क्षेत्र, उसमें भी इस तरह को एक चोरी के मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके मोबाइल फोन की जब पुलिस ने जांच की, रोको टोको अभियान में 2-3 निर्देश दिए गए हैं कि पहले उसके वाहन का फोटोग्राफ लेना कि वाहन क्या है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर रखना है कि अगर चोरी का है तो बाद में हम लोग, और मोबाइल फोन भी देख लेना कि किस तरह का है। तो मोबाइल फोन जब देखा गया उसके, उसमें कई सारी मोटरसाइकिल का फोटो नजर आया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया, पूरे चोरी के गिरोह का सत्यापन किया और बताया दानापुर थाना क्षेत्र और आसपास के थाना क्षेत्र में जून के महीने में ये जो कार्रवाई हुई थी उसमें 18 मोटरसाइकिल बरामद हुई और अन्य थाना क्षेत्रों से 3, कुल 21 मोटरसाइकिल के गिरोह का हम लोगों ने उद्भेदन किया। 21 मोटरसाइकिल हमारी जून में बरामद हुई। उसका फॉलोअप मैंने आज लिया आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, मैंने कहा कि इसमें क्या कार्रवाई हुई। इसमें अभी तक कुल 21 मोटरसाइकिल जो बरामद हो गई हैं और उसमें 3 मोबाइल फोन और बरामद हो गए हैं और 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। और यह पता चला है कि जैसे ही लोग मोटरसाइकिल चुराते थे अपने मोबाइल से, एक इन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ था और तत्काल ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी फोटो भेज देते थे, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खरीदने वाले लोग हैं वह उन मोटरसाइकिल में से कोई मोटरसाइकिल पसंद कर लें, तत्काल उसको लोग बेचते थे। ऐसे खरीदने वाले लोगों की भी पहचान हो गई है, उसमें से कुछ लोग गिरफ्तार हो गए। इन दोनों मोटरसाइकिल अभियान का जो गैंग चला वो महज पुलिस का एक अभियान जो हम लोगों ने शुरू किया था रोको टोको अभियान, उसके तहत सफलता मिली। तो ये हमारी एक उपलब्धि है। मैं आश बरामद हुई थी 5 अक्टूबर की ये घटना है। अभी 24 घंटे में ही त्वरित अनुसंधान करते हुए हत्या में शामिल मुख्य अभियुक्त पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो उसने पूछताछ में कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसके हाथ पर एक कटे का निशान था, जब उसके बारे में डिटेल पूछा गया तो उसने सारी चीज़ें बताई और इस साथियों का नाम भी बताया। इस हत्या के पीछे पैसे के लेन देन का मामला प्रकाश में आया है। हत्या में शामिल अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस प्रकार से एक संवेदनशील पूर्व मुखिया के पौत्र की जो लाश बरामद हुई थी, इसका 24 घंटे में उद्भेदन करके एक मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त चाकू और मोबाइल फोन बरामद करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। तो इस प्रकार से हमारी ये उपलब्धियाँ रही हैं इधर हाल के दिनों में। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा संबंधी गार्ड देने के सवाल में आपने प्रश्न किया, इसमें 2 तरह के मामले आते हैं और दोनों तरह में बिहार सरकार का स्पष्ट निर्देश और SOP निर्गत है। पहला मामला आता है कि जब किसी गवाह को या किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में किसी एविडेंस के दौरान, कार्रवाई के दौरान अपने ऊपर खतरे की आशंका है तो एक समिति बनी हुई है जो जिला लेवल पर न्यायाधीश के अध्यक्षता में बनती है, उनके यहाँ वो आवेदन देते हैं, उस आवेदन के आधार पर उनकी सुरक्षा का आकलन होता है और उस आधार पर उनको बॉडीगार्ड दिया जाता है अगर उसको एविडेंस देने में, गवाही देने के दौरान किसी भी तरह की असुविधा होती है। ये वैसे मामले। दूसरे मामले हैं कि सामान्य किसी भी व्यक्ति को अगर आपने किसी भी कार्य में या कहीं पर भी उसको पुलिस के अंगरक्षक की आवश्यकता है तो वो जिला सुरक्षा समिति या जो जिला में पुलिस अधीक्षक है उनको आवेदन दे सकता है, आवेदन देता है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। वैसे उसके लिए एक समिति बनी हुई है, IG सिक्योरिटी या ADG सिक्योरिटी जो है उनकी अध्यक्षता में त्रिस्तरीय 3 मेंबर की एक कमेटी बनी हुई है। वह कमेटी खतरों का पूरा आकलन,
व्यक्ति का पूरा जो बैकग्राउंड और उनका क्या व्यवसाय है, किस तरह का उनको खतरा है, किस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है, वो लोग आकलन करते हैं। उस आकलन के लिए वो जिले से रिपोर्ट मंगाते हैं और जिले से रिपोर्ट एक विस्तृत फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में गोपनीय रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के आने के बाद में उनकी जो 3 मेंबर कमेटी है, वो कमेटी निर्धारित करती है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी सुरक्षा चाहिए, कितनी अवधि के लिए चाहिए, और वो सुरक्षा के लिए मापदंड है उसके आधार पर वो तय करती है। अगर किसी भी व्यक्ति को वो सुरक्षा नहीं देती है कमेटी, और संबंधित व्यक्ति को फिर भी लगता है कि उसके आवेदन पर ठीक से विचार नहीं किया गया, उसको ज़रूरत थी और उसके आवेदन को निरस्त कर दिया गया, तो एक और कमेटी है जिसकी अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक करते हैं। 3 मेंबर उस कमेटी में भी 3 मेंबर हैं। पुलिस महानिदेशक बिहार की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो अपील कमेटी है, और उस कमेटी में भी फिर मामला रखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि किस ग्राउंड पर इन्होंने मांगा था, किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया गया, और कई मामलों में अपील की जो कमेटी वो भी निर्णय लेती है। तो ये जो व्यवस्था है मेरे विचार से बहुत ही पारदर्शी और बहुत ही लाभप्रद व्यवस्था है, और अन्य राज्यों में संभवतः ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर हर तरह से पारदर्शी तरीके से केंद्रीकृत व्यवस्था, ये पिछले कई वर्षों से इसको लगाया गया है और ये सरकार के द्वारा जो SOP निर्धारित है उसके तहत ये सुरक्षा व्यवस्था हम लोग प्रदान जिनको मुहैया कराई जाती है सुरक्षा। ये उस कमेटी को देखना है, उस कमेटी को देखना है, और कमेटी के मापदंड में बहुत सारी चीजें हैं जो वो व्यक्तिगत रूप से हर कमेटी, हर व्यक्ति की एक फाइल होती है, उस फाइल के अनुसार निर्णय लिया जाता है। केस टू केस चल रही है। अब मैं आपको बताऊं, एक महीना बीत गया सर, अब सारी बातें आपको जब एक परिणति आ जाएगी अनुसंधान की आपको बता दें। थैंक यू, थैंक यू। पुलिस कई कोणों से जांच कर रही है, और मुझे पता है कि कुछ अखबार पत्रों में, समाचार पत्रों में इस आशय की न्यूज छपी है, तो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा कि क्या पुलिस किस बिंदु पर अनुसंधान कर रही है या क्या। पुलिस सभी बिंदुओं पर कर रही है अनुसंधान, और हम लोग इस पे सही दिशा में आगे बढ़